एक बात सदा याद रखना मेरी, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। आजकल हर कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है लेकिन पहले इंसान बनना हम अक्सर भूल जाते हैं। जब लड़ाई अपनों से हो तो हार जाना ही बेहतर होता है। अपनों से आप यदि लड़ाई जीत भी गए तो रिश्तों को हमेशा के लिए खो देंगे। जब इंसान के जीवन में हालात बिगड़ जाते हैं तो कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं और कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अपने अंदर की उस क्षमता को जगाओ जो मुसीबतों का सामना कर सकती है। रिश्ते विनम्रता से निभाए जाते हैं, छल कपट से नहीं। सफलता छोटे छोटे प्रयत्नों का जोड़ है जो दिन रात दोहराए जाते हैं। जिस प्रकार हर सुंदर फूल के आसपास कांटे जरूर होते हैं, उसी प्रकार हम सफलता के फूल के पीछे असफलता के कांटे होते हैं। ज्ञान आपको जहाँ से मिले प्राप्त करते रहो, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर तुम्हारा कोई साथी नहीं है। अपने रास्ते खुद बनाएं, भीड़ के पीछे तो दुनिया चलती है। प्यार एक दूसरे को यह बोलना नहीं है कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। प्यार तो वह एहसास है जो आपको बोलना भी ना पड़े और सामने वाला महसूस कर ले। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था और किसी भी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। हार मान लेना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। जो इंसान समय का महत्व नहीं समझता वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, अज्ञानता और आत्मविश्वास। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हार मत मानो, हमेशा अगला मौका जरूर आता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोल जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। हर सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने हमें आज का यह दिन दिया है। इस दिन हम फिर से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर पाएंगे। सबसे अच्छी दोस्ती हमारी दोनों आँखें आपस में निभाती हैं। जीवन भर एक साथ एक दूसरे के साथ खुलती हैं और एक दूसरे के साथ ही बंद होती हैं, जबकि एक दूसरे को जीवन भर देख नहीं पाती हैं। दोस्तों, जाया ना करो अपने अल्फाजों को हर किसी के लिए। बस खामोश रहकर देखो आपको समझता कौन है। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है बाढ़ से नहीं। सिर्फ आसमान छूना ही कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो वो है जो आसमान छू ले और पैर जमीन पर हों। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया ये जिंदगी। चलने का नहीं सही संभलने का हुनर तो आ गया। किसी की कमी का एहसास उसके चले जाने के बाद ही होता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। विकल्प बहुत हैं बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है संभरने के लिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और खुद पर हमेशा विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशी कभी कम नहीं होगी, बस खुशियाँ मनाने का अंदाज होना चाहिए। पहाड़ पर चढ़ने पर हमको यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम ऊंचा उठने की कोशिश करेंगे तो झुकना जरूर पड़ेगा। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझेंगे तो कल लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे। हम अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते लेकिन आज की मेहनत से आने वाले कल को अवश्य बदल सकते हैं। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदत जरूर बदल सकते हैं। और यकीन मानिए कि यही आपकी आदत आपका भविष्य बदल देगी। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि हर कार्य को आराम से ही करना चाहिए। कुछ कार्य को जल्दी करने में ही हो पाता है, आराम से नहीं। दूसरों को देखकर मत करो, ऐसा काम करो कि लोग आपको देखकर सीखें। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए हर समय शुभ होता है। कार्य का फल हमें
हमारी मेहनत से मिलता है, समय देखकर नहीं।